क्या भाई साहब, क्यों हो ब्रो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी, ब्लॉग बन रहा है। कुछ बात कर लिया जाए आपसे? बिल्कुल, बैठिए भाई। क्या पढ़ रहे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी फंक्शन। टाइम फ्रीक्वेंसी, हम वेवलेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। वाह, फूरियर एंड वेवलेट एनालिसिस मेरा कोर्स। हार फंक्शन? हाँ, क्या है ये हार फंक्शन? हार फंक्शन ऐसा है कि एक टाइम डोमेन होती है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है। तो वहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि ये जो है एक कर्व जो होता है, वेवलेट एनालिसिस होता है, तो उसमें से आपको डिफाइन करना है कि ये विंडो फंक्शन का काम कर सकता है कि नहीं। जैसे आप समझ लीजिए कि एक आपके पास है ना, एक जैसे बोलते हैं एक स्केल है। स्केल? हाँ, स्केल में क्या है कि आप सभी लोगों को पास करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पास करवा रहे हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी खिड़की है कि इतने, जैसे आर्मी वाले में होता है कि जैसे लोगों को, लड़कों को लेके जाते हैं जिसकी हाइट होती है उससे ऊपर, उसको अंदर जाने देते हैं, जो छोटे रह जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार का क्या है ये कि जब फ्रीक्वेंसी बनती है किसी की भी, कोई भी फंक्शन बनता है, ऐसे गॉसियन फंक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, फ्रीक्वेंसी जब टाइम में बनता है तो फिर हम लोग ये डिफाइन करते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए कि क्या हम लोग इसको किस तरह तरीके से स्लाइस करें। पता, इसमें स्लाइसिंग ये काफ़ी कंटिन्यूस है। इसमें देखिएगा तो ये है कि समझ लीजिए कि आप, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, जीरो टू इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस चलता है। अच्छा, मतलब इसके बीच की दूरी है काफ़ी कम है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम लोग इसको छांटे तो छांटे कैसे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। तो उसी का एक ये है रूप 5m। क्या निकलता है इससे, इसका पूरा कंक्लूजन क्या है? इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि हम लोग यही फाइंड आउट कर पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हमेशा चलते रहता है। ये जो कर्व बनता है इसमें आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे वैल्यू कितनी है, कितनी है। हाँ, तो इसके लिए ही हम लोग क्या होता है कि एक बैच बैच में ऐसा है कि इतना दूर तक हम लोग निकाल लिए एक फंक्शन के थ्रू। हम लोग को जब ये पता हो गया कि इस प्रकार बिहेव कर रहा है, तो हम लोग इसका जो मान है किसी खास समय पे ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कहाँ पे यूज़ है? इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन यदि बोले तो इमेज प्रोसेसिंग जो होता है। इमेज प्रोसेसिंग मतलब जो अभी आप कैमरा से खींच रहे फ़ोटो, तो इसमें जो आपका कंप्रेस किया जाएगा इमेज वगैरह, कहाँ पे कितना पिक्सल को घटाना है, जब आप कंप्रेशन यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। अच्छा। और जो आपका टाइम फ्रेम वगैरह आगे पीछे हो रहा है, तो सारा कुछ में इसमें यूज़ है। ये पूरा इमेज प्रोसेसिंग में ही इसका यूज़ होता जाएगा। तो भाई क्या नाम है आपका? राहुल कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से है राहुल? झारखंड। झारखंड, हाँ जी। कुछ खास बात झारखंड की बताइए हमको, मैं गदगद हो जाऊँ। झारखंड की खास बात, बहुत ज़्यादा खनिज है। बहुत ज़्यादा है वो? हाँ, दिख जाता है। अच्छा, ही है वहाँ पे। हाँ, धोनी है फिर वहाँ पे। धोनी है। हाँ, अभी ईशान किशन भी आए हैं, चल रहे हैं धकाधक लोग एकदम। बिल्कुल। IPL देखते हैं कि नहीं? IPL देखते हैं, लेकिन अभी छूटा हुआ है थोड़ा। छूटा हुआ है। BHU में पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है पिछला? मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है रांची से मैथमेटिक्स ऑनर्स में, और अभी यहाँ पे करेंटली मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग MSc का छात्र हूँ, सेकेंड ईयर का। रांची यूनिवर्सिटी की? कौन सी यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी? नहीं, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, ऑटोनोमस था वो। अच्छा। रांची यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था, लेकिन अभी पार्ट हो गया, लेकिन पहले ऑटोनोमस था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कोर्स है आपका? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अच्छा, मैथमेटिक्स स्पेशल कोर्स जो चलता है उसके बगल में ना, DST Sims। हाँ, DST Sims का ही कोर्स है। मतलब एक डेलीगेसी ऑफिस होता है, एक होता है हॉस्टल, हॉस्टलर होते हैं, एक डेलीगेसी होते हैं। तो डेलीगेसी ऑफिस के बगल में आपका है वो, जो आर्ट्स फैकल्टी चौराहा के बगल में। कंप्यूटिंग बहुत पैसा लेते हैं सुना यार आप लोग? 40,000 फीस है, 42,000। इतना क्यों दे दिए फिर? क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल नया था, और इसमें अभी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट भी इस कोर्स का ज़्यादा जगह पे, अभी हर जगह रिसर्च में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इसलिए लिया इस कोर्स को। तो क्या MSc मैथमेटिक्स छोड़ करके सबको यही करना चाहिए कि MSc मैथमेटिक्स बढ़िया है? नहीं, डिपेंड करता है, जिसका प्योर में इंटरेस्ट है कि मुझे केवल प्योर ही आता है, थ्योरम प्रूफ करना है, तो उसके लिए वो सही है फिर। और यदि इसको होता है कि कुछ रियल लाइफ में भी देख लिया जाए और रिसर्च में भी देख लिया जाए, जिसमें दोनों फील्ड का थोड़ा सा ऑप्शन खुला होता है, कंप्यूटर साइंस से भी जुड़ा हुआ चीज़ होता है, मैथमेटिक्स से भी जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ऐसे चीज़ जुड़ा हुआ है कि जो आप, मतलब एक तरह से जो अभी
चल रहा है अभी AI ML वगैरह, पूरा कोर्स उसी पे बेस्ड है, सब कुछ वही। हाँ। कुछ पन्ने पलटते हैं पीछे आते हैं। इतनी हार्ड हार्ड पढ़ाई, आप लोग कैसे मैथ पढ़ लेते हो यार? मैं तो क्लास 9-10 में मैथ जैसे ही पार हुआ छोड़ करके भाग गया। हम लोग क्या कीजिएगा, प्रोफेशनल मैथ अच्छा लगता था इसलिए। अच्छा लगता था बिल्कुल, अभी क्यों मतलब मेरा भी छोटा भाई उसको मैथ बहुत पसंद है, मतलब ही लाइक्स मैथ टू मच। क्यों लोगों को मैथ बहुत अच्छा लगता है, हम क्या रीज़न देंगे? बस होता है, जैसे किसी को सिनेमा पसंद है, किसी को, सबका आर्ट फॉर्म होता है एक तरह से बोलिए तो, सबके पास अपना कला होता है। तो उसी प्रकार यही हमको बचपन से अच्छा लगता था कि मैथ्स में ही जो फॉर्मूले वगैरह हैं, कैसे उसको लेके जाए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो यही सब हमको अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता था। कि फर्स्ट ईयर में आप हैं कि सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर। हाँ, फाइनल। CUET वाले हैं कि विदाउट CUET वाले? दो साल पहले कुछ वो CUET नहीं था। BHU PET से आए हैं। कंप्यूटिंग कोई बताया इसमें कि आगे चल के यहाँ क्या प्लेसमेंट देती है आपकी डिपार्टमेंट? अभी तो कोर्स नया है तो प्लेसमेंट का उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कोर्स है। हाँ अभी, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। कैसे? क्योंकि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जैसे कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं आपको, डेटा साइंस का जो पोर्शन है वो सब पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जो आपका मैथमेटिक्स है वो सब पढ़ाते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अभी चल रहा है मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी डिमांड है अभी, AI ML हर तरफ देखिएगा, जो बता रहे थे। हाँ, तो और क्या चल रहा है मार्केट में? हाँ, और क्या चल रहा है मार्केट में अभी, तो और कुछ भी नहीं वैसा। क्या चल रहा है मार्केट में बताएंगे, कुछ राज की बातें अंदर की जो कोई नहीं बात करता, कोई सोशल मीडिया पे खुल के बात नहीं करना चाहता कुछ? वैसा तो कुछ नहीं है, अभी IPL ही चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई करना है सीरियसली, मन लगता है इसमें? मन लगता तभी तो अभी तक कर रहे हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती काम करते हैं। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, ज़बरदस्ती होता है ना कि आप अधिक से अधिक कहाँ तक कर सकते हैं, कि ग्रेजुएशन तक कर लिया आपने, बात सही है, उसके बाद तो आपको सीरियसली करना पड़ेगा, खास करके BHU में आके तो मेहनत करनी पड़ेगी। और कितने सुलझे आदमी आए हैं? बहुत ज़्यादा। मूल मंत्र क्या है इसका? बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीज़ों को, जितना हो सके सरल रखिए, ज़िंदगी सरल होती जाएगी बस। ये अब मैथ इतना दिलचस्पी था, इतने बड़े बड़े थ्योरम पढ़ रहे हो आप, इतना मेहनत भी कर रहे हो, तो IIT क्यों नहीं ज्वाइन किया? BTech कर लेना चाहिए था किसी अच्छी जगह से। BTech वाले टाइम में था कि उसमें गांव से बिलोंग करते हैं तो उतना रिसोर्सेस नहीं, बोलेंगे कि रिसोर्सेस नहीं थे उतने तैयारी करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी ऊपर है उसका। हमको लगता है बहुत लोग ऐसे लोग होंगे जो गांव देहात में रह जाते हैं, रिसोर्सेज की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल ये चीज़ है। वो मैंने JEE में दो बार क्वालिफाई किया लेकिन रैंक अच्छा नहीं था, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था इसलिए नहीं दिया था, उस टाइम थोड़ी सी स्थिति सही नहीं थी घर की। अच्छा, ये मॉडर्न एजुकेशन में सरकार को ध्यान देनी चाहिए क्या? एकाएक मेरे दिमाग में आया कि अगर गाँव देहात में बढ़िया ट्यूशन लगा करके और बढ़िया अगर पढ़ाया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो एकाक लोगों का, दो लोगों का, 10 लोगों का निकलेगा ही पक्का ही पक्का। हाँ, इस बात से बिल्कुल ही सहमत है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिसोर्सेज के अभाव में, जैसा आप बताया आपने, नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत टैलेंटेड है, मैथ में कहिए, साइंस में कहिए, उनका दिमाग, मैंने क्योंकि जब लॉकडाउन के समय मैं जब घर वापस फिर से लॉकडाउन में घर चला गया तो फिर से मेरी तैयारी बिल्कुल वहाँ पर ऐसा स्थिति हो गया था कि 15-20 दिनों तक लाइट नहीं आ रही है, फिर से तो ऑनलाइन पढ़ाई भी ठप हो गई थी। तो जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा कि जिनका दिमाग काफ़ी तेज़ है, लेकिन वो आगे चल के क्या होगा कि 2-4 साल बाद या तो पढ़ाई छोड़ देंगे या तो फिर वो कहीं पे काम पे लग जाएंगे या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से साइंस छोड़ देंगे। राहुल जी, उन बच्चों की क्या गलती है कि उनके माँ बाप गरीब हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे ऊपर टेकने की? सरकार की। हम सरकार को ही गुहार लगा सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए हम साफ साफ बोल रहे हैं कि गांव देहात में ऐसे टैलेंट हैं महोदय जिनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिनको एक एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। अगर वो एक बार आगे बढ़ते हैं तो बस उनको एक ही बार आपको पुश करना है बार बार। आपको लगता है अगर आप एक बार डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको बार बार पुश करना होगा? बिल्कुल नहीं। और आप बनेंगे तो आप अपने बेटे को भी शिक्षित करेंगे, अगल बगल खड़े समाज को भी शिक्षित करेंगे, थोड़ा साफ सफाई रखेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे ना। शिक्षा बढ़िया से पाने के बाद कोई क्या गलत काम करता है, मर्डर कर दे या फिर कुछ गलत करे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ये स्पेंडिंग होना चाहिए। मतलब जैसे अभी देखेंगे आप गांवों की जो स्थिति है स्कूलों की, खास करके कहें तो सरकारी स्कूल जो है, अब तो प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा सा व्यवसाय बन गया है, वहाँ पे भी शिक्षकों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं देते, पैसा
पैसे ऐंठे जा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल से वो अच्छे हैं, लेकिन जो रूरल एरिया में गवर्नमेंट स्कूल, हाँ गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति काफ़ी ख़राब है झारखंड में। हाँ जी, उसकी स्थिति मतलब सुधरनी चाहिए कि वहाँ पे शिक्षकों शिक्षक है भी तो वो उतना ध्यान नहीं देते पढ़ाई। वहाँ पे तो बीजेपी नहीं है मतलब? नहीं है, वहाँ पे सरकार वो जब से है स्थिति जब से बनी है, और क्योंकि पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था तो फिर पिछड़ापन थोड़ा है, और सरकार अभी कोई भी हो स्थिति वही जो कि तो बनी हुई। मैं देखता हूँ कि सड़क मतलब वहाँ पे शहर में मेन अगर सड़क को देखें आप तो बहुत ही जगमगाता हुआ अच्छी चीज़ है, लेकिन आप 10 कदम अंदर चले जाएं गलियों में से कहीं गांव में घुस जाएं तो लगता है सब स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत महक रहा है, और मतलब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। कैसा बोल सकते हैं? पॉवर्टी, हाँ पॉवर्टी है, लेकिन वहाँ पर एक तरह से बोले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, मतलब उनकी आमदनी अच्छी है। बाहर जा अब जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, खास करके जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, तो वो कमा ले रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी लिविंग स्टैंडर्ड उतना जो होता है कि सबसे ज़्यादा मजदूर अपने पास झारखंड बिहार और यूपी में है। बिल्कुल, तो मजदूरी सबसे ज़्यादा उस वही एक जीविकोपार्जन का साधन है, और जितने भी देखा जाए तो माइनिंग की इंडस्ट्री जो है तो वहाँ पे लोग, पहला बात तो है कि स्किल्स नहीं है, मतलब जैसे लोग हैं जैसे हम अपने पूरे गांव से पहले इंसान होंगे जो मास्टर्स के लिए निकले हैं, बीएचयू पढ़ने आए। हाँ बीएचयू पढ़ने आए हैं, और कोई हमारे गांव में होता नहीं कि गांव से रह के जो इतना दूर तक पढ़ सके वैसा कोई नहीं। हमारे सारे दोस्त अभी या तो कहीं बाहर काम करते हैं किसी जूस दुकान में, या फिर कोई मैकेनिक है, तो ऐसा करके सभी ने पढ़ाई छोड़ दी। बहुत स्थिति बेकार है मतलब। हाँ मतलब शिक्षा वैसे भी बात नहीं है कि वो पढ़ने में ठीक नहीं थे, काफ़ी लोग अच्छे भी थे। मजबूरी होती है बहुत लोगों की। हाँ मजबूरी, कौन काम करना चाहता है छोटे से पैसे पे वहाँ पे। बिल्कुल, एक चीज़ दूसरी चीज़ की कमी होती है वो है कि एक क्वालिटी, एक अच्छा शिक्षक मिल जाना, दी किसी को भी अच्छा शिक्षक कहीं पे मिल जाता है किसी जीवन के स्तर पे, हाँ तो वो होता है कि इंसान के अंदर वो अलग जगह देता है कि हाँ अभी कुछ कर सकते हैं इसमें, मेंटोर देता है वो। हाँ लेकिन वहाँ पे उस प्रकार की स्थिति नहीं है अभी। आपको आपके गुरु मिले? बिल्कुल, काफ़ी योगदान रहा है उनका अभी तक यहाँ तक आने में। गुरु मतलब समझ रहे ना क्या गुरु की बात कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। ऐसा मैं खोज रहा हूँ। आप खोज रहे हैं? बिल्कुल खोजिए, मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढूं मैं? अब आपका होता है गुरु अलग अलग हो सकता है, कोई भी हो सकता है गुरु। गुरु तो एक कुत्ता भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप एक देखिए कि गधा भी हमारा गुरु हो सकता है। कोई भी हो सकता है गुरु, ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दें कि ये इंसान हमसे ज़्यादा है तभी गुरु हो सकता है, जो गुरु कोई भी हो सकता है। और मैं अगर बहुत डिप्रेस चल रहा हूँ आजकल, मतलब मुझे लगता है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, शायद इन्वायरमेंट ही ऐसा है, एक लोग कहते हैं ना मौसम ही ऐसा है मेरे भाई, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये डिप्रेशन वाली जो चीज़ है वो काफ़ी मतलब कॉमन हो गया अभी, ऐसा देखेंगे तो ज़्यादातर लोग है कि मिल जाएंगे आपको। एक होता है ना कि एक महामारी की तरफ फैल रही है, इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि हंसी सब मर्ज की दवा होती है। लेकिन फालतू में मतलब क्यों हंसते रहेंगे हम? फालतू में नहीं, खुश रहना और हंसना में फ़र्क होता है। खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, होता नहीं कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए चीज़ों को लेके, कि आपका जो नज़रिया है, क्योंकि सारा कुछ सारा खेल आपका दिमाग का ही है, कि आप जब नकारात्मक हो जाएंगे तो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही थी वही चीज़ें खराब लगने लगेंगी, और यदि आप वही चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरे सही ही चल रहा है। ये आपके नज़रिए पर फ़र्क पड़ता है, और यदि इससे भी नहीं हो रहा है तो फिर ध्यान को अपने जीवन में लाना चाहिए। यदि ध्यान लेके आते हैं तो काफ़ी वो हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए, खास करके यदि कोई भी स्टूडेंट चाह रहा है कि हमको होता है कि थोड़ा एकाग्र रहे, थोड़ा हम खुश रहें, ज़्यादा परेशानियों से नहीं रहें, तो ध्यान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें तो नहीं लगता कि आजकल स्टूडेंट 80% स्टूडेंट एकाग्र रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे हैं, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और जिम्मेदारियाँ, कौन सी जिम्मेदारियाँ, ये तो नहीं बोल जिम्मेदारियाँ, प्रेशर की बातें कर सकते हैं। प्रेशर की भी बात नहीं, बात यहाँ पे आती है कि आज का जो दौर है इसमें डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, पहले की अपेक्षा जो हुआ करता बहुत था बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। हाँ, अभी माया में फंस जा रहे हैं। हाँ अभी का डिस्ट्रैक्शंस ऐसा है कि कोई इंसान काम करने के लिए बैठता है तो तुरंत उसके स्क्रीन से नोटिफिकेशन आ गया कि यहाँ पे तुरंत पॉप हुआ, फिर वहाँ पे उसने स्टार्ट किया तो आधा घंटा कैसे बीत जाता है उसे पता भी नहीं होता,
फिर से वो स्टार्ट करता है। तो ऐसा कहा जाता है अमूमन कि यदि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करें तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं उसमें, आपको एक होता है गहराई अटेन करने में, उसके बाद आप अपने काम में खो जाते हैं, फिर वो आप डीप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि वो वाली जो होती ना एक डीप वर्क का जो ध्यान वाला जो सिस्टम है वो ही नहीं आ पाता, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कोई फ़ोन रखा फिर से ध्यान लगाया 5 मिनट के लिए, देखा नहीं कि फिर से उसके पास होता है, एक तरह से पूरा जो स्टूडेंट का जो है एक बोले तो कम्युनिटी वो एडिक्टेड होता जा रहा है फ़ोन्स का, सोशल मीडिया का। और इसमें दोष केवल दिमाग का नहीं, इसमें सबसे बड़ा दोष है कि वो कंपनीज ये समझ नहीं पा रही हैं, ये सब स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पा रहे कि जो ये कंपनीज का बनाया हुआ ये जो चीज़ दिख रहा है कि हमारे बेहतरी के लिए, ये उनकी एल्गोरिदम है जो उसे फीड कर रही है, जो मशीन लर्निंग हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारा कुछ उसका एल्गोरिदम है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो चाह ही रही है। जितना देर आप उस ऐप में बिताएंगे, कोई भी ऐप में बिताएंगे सोशल मीडिया, उतना ज़्यादा उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल। तो वो क्यों चाहेगा कि कोई इंसान मेरे से जुड़ा ना रहे, और इंडिया में डेटा हो चीप होने के बाद लोग और ज़्यादा इससे हमेशा ही कनेक्टेड रह रहे हैं। कहना कि अर्जुन के पास एक तीर बाण था, हमेशा लेके चलते थे, वो चाहते तो उस तीर पे तीर को नीचे रख करके उस तीर पे बैठ सकते थे, मर जाते तुरंत ना, लेकिन उस तीर से वो फल तोड़ सकते हैं, अपने शत्रु को मार सकते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम अपनी स्पेसिफिक जानकारी चीज़ें लेकर के अगर हम बाहर निकल जाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन अगर उसके साथ अपना रिलेशन टॉक्सिक बनाएंगे, बहुत ज़्यादा समय देंगे और बहुत ज़्यादा समय किसी चीज़ को भी देंगे, वो बेकार हो जाता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एक होता है ना कि बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए चीज़ों को लेकर, अपने लाइफ को लेकर खास करके, तभी आपका जीवन काफ़ी होता है सरल। जितना ज़्यादा आप सरल जीवन जिएंगे उतना आपका जो होगा आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा बेहतर करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन बेहतर होगा, आप एक खुले मन से होंगे। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर लूँगा, और अभी के जनरेशन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग ज़्यादा भागना चाहते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहिए, उनके अंदर होता है कि ये सब्र वाला चीज़ खत्म हो गया। मेरे अंदर भी वैसा है कि हम लोग जिस जनरेशन में बड़े हैं तो है कि हमने ऐसा होता है, हमने सोशल मीडिया वाला दौर देखा है कि इसमें देखा है कि लोग कैसे 20-21 साल में लोगों ने होता है सफलता का अपार ऊंचाई को छू लिया, तो वही देख के लगता है कि हाँ हम लोग क्यों नहीं हैं। तो उसके लिए क्या होता है, लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, फॉल्स मोटिवेशन, हाँ कि हाँ जल्दी जल्दी कुछ करें। लेकिन इस चीज़ के अलावा पहले इंसान को समझना चाहिए कि मेरी प्रकृति किस प्रकार है, मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, उसके बाद आपको हो सके आप अपने चीज़ को लेकर, यदि कोई इंसान पता चले उसको 20-21 साल में कि मैं संगीत के लिए बनाऊँ और उसके बाद वो उस चीज़ पर ध्यान दे और मेहनत करे तो फिर आगे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई इंसान कितना उम्र में, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी थी, या फिर होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो चीज़ उन्होंने सेलेक्ट किया वो उनके लिए सही रहा, आपके लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले तो है कि खुद को फिगर आउट कीजिए कि हुआ आर यू, अपने आप को समझें, हाँ। सिंपल पेस करें, बिल्कुल, ताकि आप लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें ना, बिल्कुल, आप लगेंगे चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोलने कि हम ही टॉपर, तो आपसे पूरा क्लास एक्सपेक्टेशन रखेगा कि 100 out of 100 आप ही लाने वाले हैं, लेकिन अगर आप चुपचाप टॉप कर जाते हैं तो शायद लोगों को सरप्राइज भी होगा, ऐसे बता करके करेंगे तो सरप्राइज भी नहीं होगा, अरे तो होने ही वाला था। तो बहुत ज़्यादा गुड़गान नहीं गाना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ना, बिल्कुल। और हॉस्टल मिला कि नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं बाहर ही होता हूँ। तो क्या खर्चा आ रहा है राहुल जी बाहर रहने का? बाहर 6,000-7,000 महीने का, खाना पीना सब लेकर के? हाँ, खाना पीना, रहना खाना सब मिला कर, हाँ 7,000 तक। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है पूरे एजुकेशनल लाइफ में कि हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम? ओह, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ होता है बड़ा सा प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है। यूपीएससी के बारे में आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस बढ़िया है, जाना चाहिए? नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता तो मैं यही चीज़ करूँगा। आगे आप कर सकते हैं वैसे? मैं यही सब चीज़ों, किसी ने आपको सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं समझाया कि नहीं ये करना चाहिए? मुझे मेरे अंदर भूत था वो 12वीं के बाद, ऐसा होता है ना 12वीं के बाद मैं गया भी था, फिर वहाँ पता चला कि नहीं 12वीं के बाद नहीं होता है, ग्रेजुएशन से होता है। ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं गया? फिर ग्रेजुएशन में जब गए तो फिर उधर ही मन लग गया ज़्यादा, मतलब ग्रेजुएशन में मैं जब गणित पढ़ने गया तो गणित में ज़्यादा मन लग गया मेरा। अच्छा, सेंट जेवियर्स में? हाँ, तो फिर मैंने इधर छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्शन था। और एक चीज़ों को मतलब चीज़ों को संभालना भी एक अलग कला है,
सब चीजों को एक साथ लेकर के चलना भी एक अलग कला है। हाँ ये बात सही है। सब लोग नहीं, एक काम करने के चक्कर में दूसरा काम छोड़ देते हैं। और सर्वोत्तम जो श्री राम थे, क्या बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो एक काम को ले और दूसरा भी ना छोड़े, दूसरा भी काम को ले और पहला काम और दूसरा काम मिला करके दोनों को बराबर तरीके से बढ़िया से करे, तो कोलैबोरेट करे उस चीज़ों में। लेकिन हम लोग पीछे छूट जाते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सही है कोर्स, मतलब हमको ज्वाइन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना आएगी इसमें ज्वाइन करने में? कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सीट है टोटल? 50 मैक्सिमम, 50 मिनिमम कुछ हो। और हमसे बात करके कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा लगा, ये जो अगल बगल लोग खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं, क्या मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं? अब वो डिपेंड करता है कि ऐसा लोग तारीफ कर रहे हैं तो फिर अच्छा है, तभी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो जहर होता है मेरे दोस्त। नहीं नहीं, ये आप ये भी निर्भर करता है कि यदि आप उसको होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा समझ रहे हैं तो फिर तब जहर हो सकता है, लेकिन यदि एक होता है ना कि बराबर मात्रा में लिया जाए तो फिर बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। दवा की तरह आत्ममुग्धता से बचनी चाहिए बस। आत्ममुग्धता बिल्कुल। क्या होता है ये? मतलब कि आपको खुद लगने लगे कि अरे हम तो बहुत हर जगह तारीफ के पात्र बन रहे हैं, अब मुझे होता है ना कि अपने काम से आप हट जाएं, उस चीज़ से इंसान को बचनी चाहिए। लेकिन तारीफ अच्छी चीज़ है। मुझे पता नहीं कैसे 60,000 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे भाई, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, या फिर क्या हो रहा है, लोग मुझे सेलिब्रिटी समझते हैं, कई लोग आते हैं सेल्फी क्लिक करवाते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं मतलब मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। और मैं शायद ना, अगर मेरा मुझे शूट ना करना हो, इंटरव्यू नहीं लेना हो और मुझे क्लास अपने डिपार्टमेंट में नहीं करना हो तो मैं बाहर भी नहीं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब अंदर रहने में, आइसोलेटेड रहने में थोड़ा बढ़िया पसंद आता है। और शायद उस तरीके के लोग, उस मेंटालिटी के लोग बराबर मिल नहीं रहे हैं कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ और कैंपस में रेगुलरली एक्टिव रहूँ। फिर भी ये बात आपसे भी था और आपसे भी था दर्शकों के लिए, कभी कभी मैं आपके माध्यम से इनको भी बता देता हूँ, इनके माध्यम से आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारी दुनिया यही है। और जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भेजा जाएगा तो आपका होगा ना कि प्रोफेसर तरीके से आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो मन लगा करेंगे, तो ये हमारा जॉब है। जैसे आप आपका जॉब करने से हम नहीं रोक सकते, आपके जॉब पे हम नहीं हंस सकते, वैसे हम भी ना। बिल्कुल सही, ऐसा होता है कि ज़्यादातर ये है, यदि आपने पहले ही समझ लिया कि ये मेरा सर्कल है, एक मैं खुद के साथ ज़्यादा खुश हूँ और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है रहना, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। यदि कोई इंसान अपने आप के साथ यदि अच्छा से समय व्यतीत करने लगे तो फिर उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे बड़े बड़े, ये होता है कि बहुत जो बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं उनका ये ट्रेट होता है कि वो अकेलापन ज़्यादा पसंद करते हैं। आप किसी को भी देख लेंगे, जो जो भी बड़ी चीज़ें हुई है, चाहे जेके रॉलिंग का जो किताब लिखना हो, जेके रॉलिंग का जानते हैं, हैरी पॉटर जिन्होंने लिखा है, तो वो जब लिखती थी वो अकेलापन चाहती थी। फिर जब प्रोफेसर बना बेल लेबोरेटरी में, तो भी जो साइंटिस्ट थे वो बिल्कुल अकेले होके ही काम करते थे ज़्यादातर टाइम। ऐसा होता है कि ऐसा बस मैंने बताया जैसे कुछ देर पहले कि डीप वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितना अपने काम में खो जाएंगे उतना आपके लिए वो बेहतर रहेगा और आपकी वेलबींग के लिए भी ज़्यादा बढ़िया है। फ्यूचर को आपको बेहतरीन बना सकेगा। और कहते हैं लोग कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही होती है, महत्वपूर्ण जो क्या होता है कि एक सरगना तैयार होता है एक नए इन्फॉर्मेशन को, एक नया लोग कैसे कहते हैं, एक छोटा सा काम होता है ना, जब एक आतंकी कहीं बम फोड़ने जा रहा होता है तो पूरी स्ट्रेटजी बनाता है, तो वो सब चीज़ें अंदर ही होती हैं, कहीं मेले में बैठ करके सभागार में नहीं होती हैं। तो हम ये नहीं करेंगे आप बम फोड़िए, लेकिन हर एक आइडिया को उसी की तरह एग्जीक्यूट करिए, ठीक है, एकदम वॉर लेवल पर। बढ़िया है कि सीने आग सीने में हो तुम्हारी या मेरी, बस आग जलती रहनी चाहिए, कुछ ऐसा कभी कौन का हमारे सीने में नहीं तुम्हारे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। चलिए, ये थे राहुल बाबा। राहुल बाबा राहुल बाबा ऐसा मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं, राहुल बाबा राहुल बाबा। मैं आपके दोस्त को हेट कर दिया, ठीक है, कम से कम आपके दोस्त ही सब्सक्राइब करके जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए नए साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बोलता हूँ वीडियो देखने के लिए। और ये जो भी कोर्स था आप इसके बारे में समझे होंगे, ये हमारा दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो इस कोर्स पे था, तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और चेक करिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको CUET IIT JEE BA सोशल साइंस BCOM BSc BSc एग्रीकल्चर MBA ईच एंड एवरीथिंग पे हमने काम किया है, तो मिल जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।